आराध्य और यहाँ उपस्थित सभी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब हृदय पूर्वक स्वागत करते हैं। आयरलैंड के सारे भारतीय प्रवासियों के लिए आज बहुत गर्व की बात है कि हमारे बीच आज हमारे प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। Right.
आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। अब मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप दो शब्द बोलें। आयरलैंड में बसे सभी भारतीयों को नमस्कार। लेकिन इतना कहूंगा ये शुभ शुरुआत है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, शायद बहुत कम ऐसे होंगे जिनको ये याद होगा कि कभी भारत के प्रधानमंत्री यहां आए थे। क्योंकि मुझे बताया गया कि करीब 60 साल के बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री यहां आए हैं। वैसे दिल्ली से न्यूयॉर्क को हर बार जाना पड़ता है और आकाश में तो यहीं से गुजरते हैं। आप लोगों के प्यार ने मुझे खींच लिया तो ऊपर से मैं नीचे आ गया। आज मेरी यहां के प्रधानमंत्री के साथ बड़ी विस्तार से बातें हुई और बहुत समय कम था लेकिन मीटिंग इतनी बढ़िया रही, इतने विषयों पर चर्चा हुई, इतनी बातों पर सहमति का माहौल है। मैं समझता हूं कि आयरलैंड के साथ भारत के संबंध और अधिक गहरे होने चाहिए, अनेक विषयों के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। और 2016 में आयरलैंड अपनी आजादी की शताब्दी मना रहा है, आजादी के संघर्ष की शताब्दी मना रहा है। भारत भी उसी समय आजादी का संघर्ष कर रहा था और एक प्रकार से भारत भी आजादी की लड़ाई लड़ता था, आयरलैंड भी आजादी की लड़ाई लड़ता था और उस वक्त ही हमारी सांझी विरासत। हम सोच रहे हैं कि 2016 का आयरलैंड का आजादी का जो संग्राम है उसकी शताब्दी में भारत भी भागीदार बने, भारत भी आयरलैंड के आयरलैंड और भारत की जो विशेषताएं हैं कुछ मूल्य बहुत किसी न किसी कारण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे भारत में सत्य के लिए जीना मरना ये सदियों से हम सुनते आए हैं, एक आदर्श के लिए विचार के लिए बलि चढ़ जाना, खुद को कष्ट देते हुए जीवन को समाप्त सदियों से सुनता है।
लेकिन कहते हैं 1920 में आयरलैंड में हंगर स्ट्राइक हुआ और यहाँ नागरिक ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। यानी वैल्यूज कितने हमारे मिलते जुलते हो गए किसान का मानवता से जुड़ी हुई बातों में अपनी एक ताकत है और हमारी कोशिश यही है उन्हीं चीजों को हम बल दें। अब आयरिश बच्चे संस्कृत में मंत्रोच्चार कर रहे हैं, स्वागत गान गा रहे हैं और वे रटे रह रहे शब्द बोल रहे थे ऐसा मुझे नहीं लगा, किस शब्द में उनका क्या भाव था वो भी अभिव्यक्त हो रहा था, मतलब उन्होंने इस बात को इंटरनलाइज कर दिया था। उनके जो भी शिक्षक इस काम को करते होंगे मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन ये खुशी की बात है आयरलैंड में तो हम ये कर सकते हैं, हिंदुस्तान में ऐसा कुछ करते तो पता नहीं। सेक्युलरिज्म पर सके सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। अगर इलनेस नहीं है तो आप स्वस्थ है। अब ये विचार भारतीय चिंतन का नहीं है, इलनेस नहीं मतलब स्वस्थ है हमारी सोच नहीं है, हम उससे दो कदम आगे वेलनेस की चिंता करते हैं, हमारी कल्पना वेलनेस की और ये योगा उस वेलनेस से जुड़ा हुआ है, सिर्फ रोग से मुक्त है इसलिए आप स्वस्थ ऐसा नहीं है। तो भारत की मूल बातें विश्व स्वीकार करने लगा है, लेकिन दुनिया तब स्वीकारती है जो भारत में दम हो। अगर भारत में दम नहीं हो तो दुनिया क्यों पूछेगी। आज पूरे विश्व में भारत के विकास की चर्चा हो रही है, 21वीं सदी एशिया की सदी ये सारी दुनिया ने मान लिया है, लेकिन 21वीं सदी एशिया की सदी फिर धीरे धीरे देखते हैं तो उनको लगता है यार हो सकता है हिंदुस्तान की हो जाए। दुनिया मान गई है। एक ब्रिक्स कंसेप्ट आया 1980 में, ब्राजील रशिया इंडिया साउथ अफ्रीका चाइना ब्रिक्स शब्द पॉपुलर हुआ, लेकिन कुछ वर्ष पहले लोग चर्चा करते थे कि BRCS इनकी तो गाड़ी पटरी पर है, आई जो है वो लुढ़क गया है, ऐसी चर्चा थी और लोग यहां तक कहते थे शायद आई इंडिया की जगह आई इंडोनेशिया ले लेगा, ये चर्चा थी।
आज वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो, सब कह रहे हैं कि ब्रिक्स में अगर कोई ताकत बनना है तो आई है। आगे बढ़ने वाली कंपनी है, सबसे तेज पूरी दुनिया में। अगर ये सिलसिला और आगे बढ़ा और ज्यादा 30 साल अगर हम इस ऊंचाई पर चलते रहे तो हिंदुस्तान में गरीबी का नाम निशान है। नौजवान को रोजगार मिले, लेकिन 30 साल तक इस गति को बनाए रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन ये चुनौती हम पार कर पाएंगे क्योंकि हम एक ऐसी ताकत के कालखंड में हैं जिसकी हमने कभी कल्पना करनी नहीं की, और वो है 65% जनसंख्या हिंदुस्तान की 35 साल से कम उम्र की है। भारत नौजवान है, भारत नौजवानों का है और भारत नौजवानों की ताकत पर बनने वाला है। ये जो सामर्थ्य मिला है ये नेक्स्ट 30 ईयर का सपना पूरा कर सकता है। देश विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर रहा है, सभी क्षेत्रों में देश को आगे बढ़ाने के लिए सफल प्रयास हो रहे हैं और विश्व भर में फैले हुए भारतीय जन भी आज सीना तान करके आंख में आंख मिला करके दुनिया के साथ भारत की बात करने लगे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। अब किसी भारतीय को सर झुकाने के दिन नहीं है, सीना तान करके खड़े हो जाए। नहीं बड़ी ताकत होती है। मैं आप सबको मिलने का मुझे अवसर मिला, मैं आपका बहुत ही और इस कम समय में, तो मेरा कार्यक्रम बहुत कम समय में था ना, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए और मुझे आपके एम्बेसडर कह रहे थे कि हम तो इतनी मारामारी चल रही है, हम किसको रोके किसको लाए, ज्यादा समय मिला होता तो अच्छा होता। लेकिन फिर भी मैंने पहले कहा ऐसे एक शुभ शुरुआत है, ये रिश्ता और नाता जुड़ता रहेगा और भारत के प्रधानमंत्री के आने में 60 साल नहीं लगेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। Oh,
हमें एयरपोर्ट के लिए अभी निकलना होगा, हमने कहा ये लेट हो गया, मेरी कपोड़ा करके एयरपोर्ट के लिए अभी निकलना होगा, मैंने कहा अभी नहीं छोड़ा।